Hello everyone. So today we are going to discuss something very interesting. So we are heading towards the summary of Abhav Benaram. So guys, let me take you towards the poem. So this is what we are going to deal with. So today we are going to do the full summary of Abhav Benaram in Hindi, and I'm going to explain each and every line from the poem. Okay? So, इस पोएम को शुरू करने से पहले व्हाट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर अस, सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि पोएट कौन है. सो, इस पोएम को लिखा था ले हंट ने, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नोट देम डाउन. सो जस्ट टेक अ पेन एंड कॉपी एंड देन जस्ट नोट देम डाउन, और एल्स यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट. ओके, सो सबसे पहली बात कि इस पोएम को लिखा था ले हंट ने. ले हंट, जब भी आपको पूछा जाता है नेम द पोएट एंड राइट समथिंग अबाउट द पोएट, ओके, इस पोएम को किसने लिखा था और उनके बारे में एक दो लाइंस लिखो, तो उसमें आप क्या लिखोगे? सो दिस इज़ बेस्ट सूटेबल फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन. उस क्वेश्चन के लिए ये सबसे ज़्यादा सूटेबल रहेगा. सो ले हंट वॉज अ जर्नलिस्ट, एसेइस्ट एंड अ पोएट. सो वो जर्नलिस्ट थे, एसेइस्ट थे और एक पोएट भी थे. ओके, एंड वो बहुत अच्छे पोएट थे. उनके कुछ वर्क्स में से कौन सी वर्क्स मेंशनड है? बुक्स ऑफ जेम्स, टेबल टॉक, एक्सेट्रा. सो दिस मच इज इनफ फॉर दिस पोएम और फॉर द पोएट. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, अब हम देखते हैं इस कंप्लीट पोएम का समरी. सो सबसे पहला लाइन, अबाउ बेनारम मे हिज ट्राइब इंक्रीज. इसमें पोएट क्या कह रहे हैं? इसमें पोएट कह रहे हैं कि अबाउ बेनारम के जैसे लोग, उनके जैसे लोग इन द सेंस कि उनके जैसे नेचर वाले लोग, उनके जैसे वर्चुअस इंसान, बिकॉज अबाउ बेनारम बहुत ज़्यादा वर्चुअस इंसान है. सो उनके जैसे लोग, उनके जैसा जिनके पास नेचर है, जिनका बिहेवियर है, वैसे लोग इंक्रीज हो. दैट मीन्स अगर दुनिया में कोई इंसान बहुत अच्छा होता है, हमारे आसपास में अगर कोई इंसान हो जो बहुत अच्छा हो, तो हम क्या कहते हैं कि दुनिया में काश सभी लोग ऐसे हों, काश सभी लोग ऐसे होते. तो बस पोइट यहाँ पे प्रे करते हैं कि अबाउ बेनारम जैसे ही लोग दुनिया में हो, इनके जैसे लोग और दुनिया में भर जाए. फिर अबाउ बेनारम एक रात में क्या होता है कि यहाँ पे पोइट एक स्टोरी एक रात के बारे में बताते हैं कि अबाउ बेनारम सो रहे थे, तो वो अचानक से अपनी गहरी नींद से उठते हैं. और फिर वो क्या देखते हैं, वो फर्स्ट ऑफ ऑल वो किस रीज़न से उठते हैं, उनकी नींद कैसे खुलती है. सो उनकी नींद खुलती है एक विजन से. वो क्या देखते हैं? वो देखते हैं कि उनके रूम में मूनलाइट आ रही है, और वो मूनलाइट थोड़ी थोड़ी मूनलाइट तो ऑब्वियसली आती है खिड़की से. एंड देन वो देखते हैं कि सामने एक एंजल है, और वो एंजल के प्रेजेंस के वजह से उनका रूम काफ़ी ज़्यादा ब्राइट लग रहा है और बहुत ज़्यादा ग्लोरियस लग रहा है. जस्ट लाइक जब भी आपने देखा होगा कि लिली जब भी ब्लूम करता है, मतलब कि लिली जब भी खिलता है, तो वो कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल सीन होता है, राइट? कितना ज़्यादा वंडरफुल सीन लगता है. एग्जैक्टली, जब वो एंजल वहाँ पे था, तो अबाउ बेनारम को वो सीन बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था. और वो क्या देखते हैं कि वो एंजल एक गोल्डन बुक में कुछ लिख रहा है. सो इसके वजह से अबाउ बेनारम की क्यूरियोसिटी लेवल बहुत इंक्रीज हो जाती है. वो एक पायस इंसान दैट मीन्स, लेट मी राइट इट ओवर हियर, PIOUS. सो वॉट इज़ पायस? पायस मीन्स जो बहुत ज़्यादा होलिस्टिक इंसान हो, या जो इंसान बहुत अच्छा हो, बहुत प्योर हो. सो अबाउ बेनारम बहुत ज़्यादा प्योर इंसान थे. वो भगवान को मानते थे. ही वॉज अ स्पिरिचुअल काइंड ऑफ अ पर्सन. वो स्पिरिचुअल थे, भगवान में विश्वास रखते थे. सो जब वो एंजल को देखते हैं, और इतनी शांति में उन्हें डर नहीं लगता, क्योंकि वो भगवान को मानते थे, और जो इंसान भगवान में विश्वास रखता है उसे अंधेरे से या फिर शांति से उन्हें उतना ज़्यादा डर नहीं लगता, क्योंकि वो भगवान पे विश्वास रखते हैं, उन्हें पता है कि भगवान कुछ भी नहीं होने देंगे. सो वो क्योंकि बहुत ज़्यादा शांति थी, तो इसके वजह से वो बहुत ज़्यादा करेजियसली जाकर उस एंजल से पूछते हैं कि तुम क्या लिख रहे हो. तो वो एंजल अपना सर उठाता है, वो जो विजन था वो अपना सर उठाता है उनकी तरफ, स्माइल उनको देखकर प्यारा सा स्माइल देता है, और उन्हें कहता है कि मैं उन लोगों का नाम लिख रहा हूँ जो भगवान को बहुत प्यार करते हैं. तो अबाउ बेनारम बहुत ज़्यादा क्यूरियसली पूछते हैं कि क्या मेरा नाम है इस लिस्ट में? तो फिर वो एंजल बोलता है, नहीं, आपका नाम तो नहीं है इस लिस्ट में. तो अबाउ बेनारम बहुत
बहुत ज़्यादा सॉफ्टली बोलते हैं, बट अभी भी उनके अंदर वो चीयरफुलनेस थी, वो जो क्यूरियोसिटी थी वो अभी भी थी उनके अंदर, उत्सुकता अभी भी थी उनके उनके अंदर। वो बहुत ज़्यादा सॉफ्टली, बहुत ज़्यादा नम्र भावना से, या फिर बहुत ज़्यादा प्यार से, बहुत ज़्यादा सॉफ्टली पूछते हैं उस एंजल से, उसको कहते हैं कि प्लीज़ मेरा नाम उन लोगों में लिख दो, उस लिस्ट में लिख दो जो अपने फेलो मैन को प्यार करता है, यानी कि बाकी लोगों से प्यार करता है, दुनिया में जो लोग हैं उनसे वो मैं प्यार करता हूँ। क्लियर है? दैट मीन्स मैं अपने इस दुनिया में जो लोग हैं मैं सभी लोगों से प्यार करता हूँ, मेरा नाम उन उस लिस्ट में मेंशन कर दो। तो एंजल क्या करता है, अब हम नेक्स्ट स्टैंजा की तरफ आते हैं। एक्चुअली दिस इज़ नॉट द सेकेंड स्टैंजा, बट दिस इज़ द सेकेंड पार्ट। सो स्टैंजा जो हमारा है वो कितने स्टैंजाज है, मैंने आपको ऑलरेडी, अभी आगे मैं आपको पढ़ाऊंगी कि कितने स्टैंजाज है, विल बी डीलिंग विद दीज थिंग्स। सो सबसे इंपॉर्टेंट, इसके बाद आप क्या देखते हो, इसके बाद आप देखते हो कि जो एंजल है वो जो अबाउ बेन आडम ने उन्हें लिखने को कहा वो लिख देता है। क्लियर? उसके बाद फिर वो चला जाता है, वो गायब हो जाता है। और फिर जब दूसरी रात को वो एंजल आता है और फिर से वो उसी ब्राइटनेस के साथ आता है, और उस ब्राइटनेस में इतनी ज़्यादा ताकत थी, इतना ज़्यादा लाइट था, इतना ज़्यादा ब्राइट था कि वापस से अबाउ बेन आडम उठ जाते हैं। और फिर वो क्या दिखाता है, उन्हें लिस्ट दिखाता है जिसमें उन लोगों का नाम लिखा था जिनको भगवान ने ब्लेस किया है, या फिर जिस पे भगवान ने कृपा बरसाई है, ब्लेसिंग बरसाई है। क्लियर? उसके बाद फिर पोएट एंड लो का यूज़ करते हैं। तो एंड लो क्या है, ये इंग्लिश, ओल्ड इंग्लिश में यूज़ किया जाता था ये वर्ड, इसका मतलब है बिहोल्ड, BEHOLD। सो इसका क्या यूजेज है, इसका इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि लोगों की अटेंशन खींची जा सके किसी इंटरेस्टिंग चीज़ की तरफ या फिर कुछ एक्साइटिंग चीज़ की तरफ। सो यहाँ पे पोएट क्या कहते हैं, यहाँ पे बहुत हैपनिंग चीज़ यहाँ पे होती है। पोएट यहाँ यहाँ पे क्या हुआ एग्जैक्टली, यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे अबाउ बेन आडम का भी नाम था। क्लियर? अबाउ बेन आडम्स नेम लेड ऑल द रेस्ट, यानी कि सबसे टॉप में अबाउ बेन आडम का नाम था। तो ये सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग चीज़ है, सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग चीज़ है, इसलिए यहाँ पे पोएट ने एंड लो का यूज़ किया। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस पोएम। ओके सो गाइस सब्सक्राइब नाउ। ओके नाउ आफ्टर दिस कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नोट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले ये पोएम में टोटल 18 लाइन्स है। क्लियर? एंड टोटल 9 राइमिंग कपलेट्स हैं। क्लियर है? नाउ व्हाट नेक्स्ट, द टाइप ऑफ द पोएम इज बैलेड। इस पोएम के टाइप को, इस पोएम को क्या कहा जाएगा, इसको बैलेड कहा जाएगा। नाउ दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, इट मे कम एंड यू शुड हैव द नॉलेज ऑफ इट, दैट्स वाई मैंने इसको क्या किया है, मैंने इसको हाईलाइट किया। सो जस्ट लेट मी क्लियर द स्लाइड। ओके सो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट, और यू कैन इवन राइट इट इन योर नोटबुक्स। अब इसे बैलेड क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये कोई पुरानी स्टोरी या फिर कोई ऐसी स्टोरी, किसी इवेंट को वापस से बताया जा रहा है, जो इवेंट हो चुकी है उसके बारे में नरेट किया जा रहा है, उसे बताया जा रहा है, और ये राइम भी करती है। सो इस पोएम का थीम क्या है, इस पोएम का थीम है ह्यूमैनिटी, फेथ और मैनकाइंड के लिए प्यार। फेथ किस में, भगवान में। ह्यूमैनिटी, हमारे अंदर ह्यूमैनिटी हो, हम एक दूसरे से प्यार करें, मैनकाइंड के लिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्यार हो। एंड फाइनली इस पोएम का राइम स्कीम क्या है, इट्स ABAB। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड लर्न दीज थिंग्स। नेक्स्ट, अब कुछ लिटरेरी डिवाइसेस, अगेन दैट साउंड्स इंटरेस्टिंग। फर्स्टली विल गो थ्रू आलिट्रेशन। सो आलिट्रेशन क्या होता है, किसी कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन। क्लियर? नाउ अवोक वन नाइट फ्रॉम अ डीप ड्रीम ऑफ पीस। सो दिस इज़ द रिपीटेशन ऑफ डी, डीप में डी एंड देन ड्रीम में डी। सो दिस इज़ द रिपीटेशन ऑफ डी। क्लियर है? नेक्स्ट, लाइक अ लिली इन ब्लूम। सो इट विल बी एल, एल रिपीटेशन ऑफ द कॉन्सोनेंट एल, कॉन्सोनेंट साउंड। द नेक्स्ट नाइट, सो एन एंड देन एन। सो दिस इज ऑल अबाउट द एलिट्रेशन, यू शुड नोट दम डाउन। नेक्स्ट इज इमेजरी। सो इमेजरी में क्या क्या आता है, एन एंजल राइटिंग इन अ बुक ऑफ गोल्ड। सो दिस इज ऑल अबाउट इमेजरी, यू शुड लर्न इट। एंड शोड द नेम्स हुम गॉड ऑफ हुम लव ऑफ गॉड हैड ब्लेस्ड
it came again with a great wakening light. So these all are imageries. Clear? Next, simile. The moonlight is compared with lily. यहाँ पे moonlight को किससे compare किया गया है? Lily से. Clear है? Moonlight में जितनी brightness होती, जितनी ज़्यादा वो glorious दिख रही थी, जितनी ज़्यादा वो glorious थी उस time पे, उतनी ही glorious lily भी दिख रही थी when it was blooming, right? जैसे कि कोई lily जब bloom करता है तो वो कितने ज़्यादा glorious, कितने ज़्यादा beautiful लगता है. Just वैसे ही moonlight भी बहुत ज़्यादा glorious लग रहा था. Make it rich and like a lily in bloom. नेक्स्ट इज लाइक से आपको खुद ही समझ में आ रहा होगा दैट दिस इज द सिमिली. नेक्स्ट इज सिम्बोलिज्म. सो यहाँ पे एंजल और लाइट किसको सिग्निफाई करता है, किसको सिम्बलाइज करता है? सो इट्स स्पिरिचुअलिटी. क्लियर? सो गाइज, दिस वॉज ऑल अबाउट दिस पोएम. आई होप आपको ये पोएम बहुत अच्छी लगी होगी, एज वेल एज समरी भी बहुत अच्छी लगी होगी. आई होप आपने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट डाउन कर लिए हैं और यू वुड हैव टेकन द स्क्रीन शॉट. सो अगेन आई रिपीट गाइज, स्क्रीन शॉट ले लेना या फिर इन सारे पॉइंट्स को नोट डाउन कर लेना. इट विल बी वेरी नेसेसरी और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन आंसर में, ये बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा एंड MCQ क्वेश्चंस एज वेल. So thank you so much guys. In the next video we'll be coming up with more such contents, with more such chapters, as well as we'll be dealing with the question answers from this. So guys, I'm ending up here. Thank you so much for watching.